बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करना। अब किसका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड होगा वो भी मैं बता देता हूँ कि बिहार बोर्ड में के जो भी स्टूडेंट जो 2022 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं और इस बार जिन्होंने क्या कहते हैं कि उन्होंने 9th का जो एग्जाम दिया है उन सभी स्टूडेंट का जो है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है, उसको कैसे डाउनलोड करना है ये जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसा होता है। चलिए मेरे पास एक एप्लीकेशन का है, इसे मैं इस तरह से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिया गया है डमी पंजीयन पत्रक यानी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ना। तो इस तरह का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने फोन में है तो अगर फोन में भी कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर में तो कंप्यूटर में आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद सिंपली आपको सर्च करना है बिहार हेल्प डॉट इन, इस वेबसाइट को आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे इसका फर्स्ट लिंक दिख रहा है बिहार हेल्प डॉट इन का, सिंपली आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे तो एक नए पेज में ओपन होगा जो बिहार हेल्प का जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बिहार बोर्ड मैट्रिक रजिस्ट्रेशन कार्ड 2022 दिया गया है, इसको डाउनलोड करना है। यहाँ से इस पे आप क्लिक कर देंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो ये नए टैब में ओपन होगा। यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया गया है डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करके ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको स्कूल का कोड डालना होगा, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालना होगा और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। तो चलिए हम फिल करते हैं, यहाँ पे पहले हम स्कूल का कोड डाल लेते हैं। यहाँ पे नीचे में कैंडिडेट का नाम डालना है तो चलिए हम कैंडिडेट का नाम भी डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है तो चलिए मैं ये डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ से डाल लेता हूँ। जो डेट होगा वो डेट डालना है, जो मंथ होगा वो मंथ डालना है, उसके बाद जो ईयर होगा तो ईयर आपको पूरा लिखना होगा। जैसे 2010 है तो 2010 लिखना है, 2005 है तो 2005, इस तरह से मैंने लिख दिया। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड शो कर देगा, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करना हो या प्रिंट करना हो तो सिंपली आपको यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है शो कर जाएगा। अगर आपका प्रिंटर है तो प्रिंटर से कहीं प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आपका लोडिंग प्रीव्यू लिख रहा है और यहाँ पर आपको शो कर गया। प्रिंट करने का ऑप्शन है, अगर अपने आपके पास प्रिंटर है प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ सेव एज पीडीएफ सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से जो है आप अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।